प्रकृति अगली खबर की ओर। चाय उद्योग से जुड़े लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित करे। एक देसी चाय कंपनी के प्रबंध निदेशक रमेश चंद्र अग्रवाल ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित किया जाए ताकि चाय उद्योग को नई ऊंचाई मिल सके। अग्रवाल ने मोदी सरकार से जल्द जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने का निवेदन किया है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2016 तक जीएसटी देश में लागू हो सकता है। अग्रवाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में उनकी कंपनी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के बाजार में जल्द अपने उत्पादन उतारने जा रही है। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि अलग अलग स्टेट्स में कहीं कहीं टैक्स स्ट्रक्चर अलग है और पहुंचाने के लिए वहां पे कहीं सीएसटी कहीं एफ फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे जो व्यापारी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो इन सब जो है फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकें। तो हमारा निवेदन है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी जीएसटी को लागू करें जिससे कि ये जो है हम लोग यूनिवर्सल यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर हो जाए और हम लोग उसमें व्यापार कर सकें। और एक हमारा और निवेदन है सरकार से कि चाय को नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करें जिससे कि इसकी जो है डिमांड में काफी मतलब जो है वो बढ़ोतरी हो।